हम लोगों ने कल पढ़ा था फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। हमने कल छह फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रल का पढ़ रखा था। तो छह फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आज हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड है, हम क्वेश्चन नोट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to π cos की पावर 2n x dx। ये हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, क्लियर। ध्यान दो, क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0 to π cos की पावर 2n x dx दिया गया। हमने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा, इसको हम क्या करें, किसी अपने हमारे पास छह प्रॉपर्टी है, छह प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसको क्या कर लें, ब्रेक कर लें। अगर हम ध्यान दें, हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा था, इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx = 2 into इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इफ f(2a-x) = f(x)। हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा था कि अगर हमारा लिमिट क्या 0 से 2a हो, फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स हो, तो हम उसको 2 into 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारे पास दी गई है 2a-x = f(x), क्लियर। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से इस प्रॉपर्टी में ब्रेक कर लें। अगर इस प्रॉपर्टी में इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 to π cos e power 2n x dx = हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a, सॉरी a नहीं होगा, π/2 हो जाएगा f(x) dx। f(x) हमारे पास क्या है, f(x) हमारे पास है 2 into 0 to a cos e power 2n x dx बन जाएगा। अब बात आती है कि कंडीशन तुम्हारे पास कुछ इस तरह से थी, तो कंडीशन फुलफिल होने की कंडीशन क्या थी, फंक्शन ऑफ 2a-x = f(x) आना चाहिए। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मींस हमारे पास फंक्शन ऑफ x कितना है, हमारे पास फंक्शन ऑफ x कितना, f(x) = हमारे पास है cos e power 2n(x), फंक्शन हमारे पास इस तरह से। तो हमको क्या सैटिस्फाई करना, 2a-x = f(x), दैट मींस अगर हम इसको फाइंड करें, f(2a-x) = f(x) हमको फुलफिल कराना है, तो हमारे पास 2a-x क्या लिखा है, a ऑफ π - a। π - a का मतलब क्या होगा, cos e power 2n π - x हो जाएगा। a की जगह हमारे पास क्या दिया गया, x दिया गया, π - x, ये हमारा π - x क्या होगा, माइनस cos हो जाएगा। तो दैट मींस इसके पूरे का पावर क्या, cos x की पावर 2n हो गया, और पावर इवन होने पे हमारा cos क्या हो जाएगा, पॉजिटिव cos हो जाएगा, 2n x हो जाएगा, और = क्या है, f(x) हो गया, क्या हो गया, f(x) हो गया। दैट मींस हमारा ये फंक्शन जो हमने इसको लिखा हुआ है 2 into 0 to a cos power 2n f(x), कैसे लिखा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा गया, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ π - x = फंक्शन ऑफ x भी क्या हो गया, फॉलो हो गया, क्लियर। तो अब बात आती है इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वालिस फॉर्मूला। अगर हम इसको वालिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू वालिस फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं 2 into क्या होगा, 2n-1 into 2n-3 2n-5 सो ऑन 3 into 1 अपॉन अपॉन हो जाएगा 2n into 2n-2 into 2n-4 सो ऑन 4 into 2 into π/2। ये आपका कैसे हुआ, बाय द वालिस फॉर्मूला, बाय वालिस फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला भी अकॉर्डिंग हो गया। इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, 2, ध्यान दो 2 से, और इस 2 से 2 कट जाएगा,
इस दूसरे ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास ऊपर बचेगा 2n माइनस 1 इनटू 2n माइनस 3 इनटू 2n माइनस 5 इनटू सो ऑन 3 इनटू 1 अपॉन। अगर हम क्या करें, सब में से 2 2 2 कॉमन ले ले, हमारे पास कितने नंबर ऑफ 2 आएंगे, n नंबर ऑफ 2 आ जाएंगे, n नंबर ऑफ 2 आने का मतलब एक 2 की पावर n लिख ले, ठीक है। और यहां पर ध्यान दो, यहां से जब 2 कॉमन होगा, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 कॉमन होगा, हमारे पास यहां क्या बचेगा, n बचेगा, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 is equal to so on 2 into 1 बचेगा हमारे पास, क्लियर। ये कंडीशन है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n minus 1 2n minus 3 into 2n minus 5 So on, 3 into 2, अपान आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा, ये पूरी की पूरी कंडीशन, आप ध्यान दो, ये क्या हमारा क्या, ये किसके बराबर है, n factorial के बराबर हो जा रहा है, किसके बराबर हो जा रहा है, इतना पार्ट हमारा n factorial के बराबर है, that means आने वाला पार्ट डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 की पावर n into n factorial हो जाएगा, क्या हो जाएगा, this, that means आपका integral, integral 0 to pi cos और 2n x dx इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 and so on into 3.1 upon 2 की पावर n into n factorial। और यहां से आपके पास क्या बचेगा, यहां से आपके पास क्या बचेगा, पाई बच जाएगा, क्या होता है, यहां से आपका 2 कट गया था, यहां भी आपका पाई बचेगा ना, तो यहां से 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा, पाई, तो दैट मींस हमारा जवाब में आंसर में क्या आ गया, दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्लियर, नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इवैल्यूएट 0 टू पाई थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। फिर से हम क्या करते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, या तो डेफिनेट इंटीग्रल पे आते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर आप लोगों को याद हो, एक प्रॉपर्टी हमने लिखा था इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx, एक प्रॉपर्टी लिखा रखा था, कि क्या था, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a minus x dx लिखा रखा था। अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to pi theta इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो टू, इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा माइनस, थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी पाई माइनस, यहाँ पे पाई है, पाई माइनस, यहाँ पे देखो ए था, ए माइनस एक्स हुआ था, यहाँ पे क्या पाई है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा होगा पाई माइनस थीटा इंटू साइन क्यूब पाई माइनस थीटा डी थीटा। ये हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से पाई माइनस थीटा साइन क्यूब पाई माइनस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आई मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, आई मान लिया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, I is equal to हमको क्या मिल गया, is equal to integration 0 to pi, 0 to pi, pi minus theta sine cube theta, pi minus theta, ठीक है, d theta, मैंने मान लिया इसको, ये हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, integral 0 to pi, pi minus theta, इसको लिख सकते हैं sine क्यूब, और पाई माइनस थीटा हमारे साथ क्या आएगा, थीटा आएगा, डी थीटा बन गया, ये क्या बन गया, डी थीटा बन गया, क्लियर। तो ध्यान दो, ये हमारा पूरा फंक्शन क्या था, आई था ना,
दैट मींस हमारा ये फंक्शन i हो, ये फंक्शन भी क्या हुआ i हो गया। तो अगर हमारा यह फंक्शन भी i हुआ तो दैट मींस हमारा इनिशियल कंडीशन में यह पार्ट भी i के बराबर है, यह पार्ट भी i के बराबर है, यहां पर दोनों पार्ट आपके i के बराबर है। दैट मींस हमें क्या मान ले, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। क्या मान ले, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले और इसको क्या मान ले, इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो अगर हम i प्लस i कर दें, i प्लस i कर दें, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन क्यूब थीटा डी थीटा होगा, और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अगर अब देखो दोनों का इंटीग्रल पावर समान है, इंटीग्रल आपका समान है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब दोनों को जोड़ लें अगर हम, क्या थीटा थीटा प्लस पाई माइनस थीटा साइन क्यूब, इसमें से हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, तो क्या हमारा साइन क्यूब थीटा डी थीटा बन गया। दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई, क्या बन जाएगा हमें, पाई इनटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा बचेगा। हमारे पास क्या बच गया, 0 टू पाई, 0 टू पाई, पाई इनटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा बन गया। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं। हमको क्या मिल गया, 2i is equal to, 2i is equal to हमको क्या मिल गया, 0 to pi, pi sin q theta d theta मिल गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, pi को हम बाहर ले लें, इसको लिख सकते हैं 0 to pi, 0 to pi sin q theta d theta। ठीक है, अब देखो हमारे पास फिर से कंडीशन क्या है, अब इस पे ध्यान दें, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा, जैसे हमने cos की पावर 2n को फॉलो कराया था, इसमें इसमें हम फिर से कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, हमने प्रॉपर्टी क्या बताया था, इंटीग्रल 0 टू 2a या ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इनटू 0 टू a f ऑफ x, क्या हो जाएगा, f ऑफ x dx आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता रखा हूँ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर से एक्सपेंड कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यू थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, साइन क्यू थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। तो जब ये इस तरह से हमारा क्या बन गया, फिर से ये कंडीशन, अब ध्यान दो पुरानी कंडीशन हमारी फिर से, जो cos पे अप्लाई हुई थी वही हमारे sin पे अप्लाई हो जा रही है, जो cos पे अप्लाई हुई थी वही हमारे क्या sin पे अप्लाई हो रहा है। दैट मींस अगर हम वाले थ्योरम का यूज यहां भी कर ले तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इनटू पाई, हमारा 2 पाई यहां पे बचा रहेगा, 2 इनटू पाई वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, sin की पावर कितना, 3 है। वहां पे देखो हमारे पास पावर 2n था, हमने क्या लिखा, 2n - 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, सो ऑन 3 इंटू 1। दैट मींस हमने और डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके चले गए, और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख रखा था, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, सो ऑन 4 इंटू 2 लिख रखा। दैट मींस डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, अपने पावर से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऊपर वाले में केक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान दो पावर कितना 3 है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, अब इसके बाद हमारे पास 3 माइनस 1 के बाद हमारे पास 3 माइनस 3 क्या 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 भी हम नहीं, मतलब जितना पावर है उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अपान अपान कितना बचेगा, यहाँ पे अपान कितना हुआ, यहाँ पे सबसे पहले 3 आ जाएगा, दूसरा 3 माइनस 3 माइनस
आपका कितना आएगा, 2 होगा, 3 माइनस 2, यही तो है ना, हमको इवन सब्ट्रैक्ट करना, इनटू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या बाय वालिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया, 2 पाई इनटू ऊपर क्या बच गया, 2 अपान कितना बन गया, नीचे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब 2/3 बन गया हमारा, यहाँ पे 2/3 इनटू 1, इनटू 1 का कोई इफेक्ट नहीं, टोटल 2/3, दैट मींस क्या हो गया, 4π/3 हो गया, क्या आ गया हमारा, 4π/3, लेकिन ये किसके बराबर है, 2i इज इक्वल टू, हमको क्या मिल गया, 4π/3 मिल गया, तो दिस इंप्लाई दैट i इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 4π/3 यहाँ पे इनटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 4π/6 हो गया, क्या आ गया, 4π/6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, दिस इंप्लाई दैट i इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 2/3 इनटू π मिल गया, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर, नोट कर लीजिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, दो क्वेश्चन हमारे हो चुके, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to π जक्स डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना, ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्राप्त, फिर से हम बात करते हैं अपनी पिछली प्रॉपर्टी की, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे क्या प्रॉपर्टी बेसिस है आपके, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें से एक प्रॉपर्टी आप लोगों को अगर याद हो, हमने पढ़ाया था इंटीग्रल 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx, ये पढ़ाया था, हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ इसको एक्सपेंड करते हैं, सॉरी लेट I is equal to, मान लेते हैं I is equal to 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x, हम मान लेते हैं हमारा I is equal to इतना है, हम इस प्रॉपर्टी अगर यूज करें हम इसको लिख सकते हैं is equal to integration 0 to pi, इसको क्या लिखते हैं, pi minus x dx अपान लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको और आगे लिखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस x dx अपान लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्लियर, अब ध्यान दो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर फर्स्ट और सेकंड को हम एक साथ मर्ज कर लें हमारे पास क्या मिलेगा, 2i मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पहले और दूसरी इक्वेशन को आपस में मर्ज करें, या देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, x और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो दैट मींस क्या होगा, x प्लस पाई माइनस x dx, डिनोमिनेटर दोनों का समान है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, आपका ये बन जाएगा इज इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर बचा हमारे पास पाई डी एक्स अपान क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया आपका, ये आपका बस है। दैट मींस 2i इज इक्वल टू, हमको क्या मिल गया, 0 टू इनफिनिटी सॉरी 0 टू पाई पाई dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। फिर से ध्यान दो, अगर हम आपको फिर से याद दिलाते हैं, एक प्रॉपर्टी हमने क्या करा रखा था, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 into 0 टू a f ऑफ x dx करा रखा था। ये एक प्रॉपर्टी हमने करा रखा था आपको पहले फंडामेंटल थ्योरम वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करें तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई टू और यहाँ पे 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू आपका क्या हो जाएगा, पाई डी एक्स अपान पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज, अगर आई की बात करें, आई इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू आपका 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम आई की बात करें तो आई से हमारा 2 से 2, देखो ये 2 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x हो गया। 2 से 2 हमारा कट गया, दैट मींस i इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये हमारे पास कंडीशन होगी, तो इसमें ध्यान दो, अब बात करते हैं इसमें हम पाई को बाहर लिख सकते हैं, दैट मींस अगर इसको लिखना चाहें कुछ ऐसे, पाई इंटीग्रेशन 0 टू सॉरी ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू हो चुका है, पाई बाई टू डी एक्स अपान ये क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो, ठीक है। हम क्या करें इस फंक्शन में, मतलब आपके पास जो फंक्शन मिला है dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसको हम क्या करते हैं cos स्क्वायर b सॉरी cos स्क्वायर x से डिवाइड लगा दें, क्या करते हैं cos स्क्वायर x से डिवाइड लगा दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बॉथ बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से इसको क्या कर ले, डिवाइड लगा दे। अगर इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इधर पाई बाहर निकाल लेते हैं, हमारा क्या डी एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, अपान में आपके पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x बच जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास बचेगी, पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। यहां तक नोट करो, ऊपर इरेज करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx समथिंग, ठीक। हम मान लेते हैं लेट b tan x इज इक्वल टू t ले लेते हैं, b tan x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जब b tan x इज इक्वल टू t मान लोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, b sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। That means sec square x dx is equal to हमको मिलेगा 1 upon b dt मिल जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं,
को दैट मींस फंक्शन में वेरिएबल्स को बदलना है, हमारे क्या लिमिट भी बदल जाएगी, दैट मींस लिमिट हमारे पास 0 है और पाई बाई 2 है। अगर हम x इज इक्वल टू 0 टेक करते हैं तो t हमारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आएगा। अगर x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं पाई बाई 2 रखते हैं तो हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू इनफिनाइट हो जाएगा। इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए समथिंग जो भी, ए टू बी लिख लेते हैं यहां पे, ए टू बी ना डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स आपका एक्स अपॉन ए होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपॉन बी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू क्या बन जाएगा, इसको पाई बाई टू बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा ये, वन अपॉन ए टेन इनवर्स अपर लिमिट आपकी कितनी है, सॉरी यहाँ पे हमको लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हमने इसको dt कर दे तो हमारे क्या हो जाएगी, इनफिनिटी हो जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या, पाई अपान बी अपान वन अपान ए ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, t अपान ए लिमिट आपका कहा से, 0 से इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, 0 से इनफिनिटी तक जाएगा, इज इक्वल टू पाई अपान बी इंटू वन अपॉन ए, ये आपका क्या बन जाएगा टेन, अब जब अपर लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा, इनफिनिटी अपॉन ए, टेन इनवर्स इनफिनिटी अपॉन ए क्या बन जाएगा, पाई बाई टू बन जाएगा, टेन इनवर्स इनफिनिटी अपॉन ए क्या बन जाएगा, पाई बाई टू बन जाएगा, और ये क्या होगा आपका, 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पाई अपॉन ए बी इंटू आपका क्या बन गया, पाई बाई टू बन गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन AB आ गया। This implies that I is equal to उनको क्या मिल गया? I is equal to pi square upon 2AB आ गया। यही हमारा क्या हो गया? Answer। यही हमारा जवाब। Note कर लीजिए।